बाइनेंस के ऊपर अगर जब कोई लास्ट लिस्टिंग हुई थी वो आयो कॉइन की हुई थी, और उस कॉइन की वैल्यू लगभग $6 तक गई है, और ये प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग रहा है कि अभी भी इसकी वैल्यू लगभग $5 के आसपास चल रही है। तो आयो डॉट नेट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जो कि लिस्टिंग होने वाली है बहुत ही जल्द। शायद आप वीडियो जब देख रहे होंगे लिस्टिंग हो चुकी होगी या फिर होने वाली होगी। तो ZK नाम से कॉइन है, ZK सिंक, जिसकी मैं खुद भी बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। तो इसकी लिस्टिंग होने वाली है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाऊँ तो अभी आपको कोई भी डिटेल नहीं दिखने वाली, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। तो ये कॉइन भी आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। अगर आपने पिछले आयो कॉइन में प्रॉफिट मिस कर दिया था तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट अभी ZK कॉइन में मिलने वाला है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ताकि आप तक सारी अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आयो की बात कर लेते हैं। तो मार्केट आप देखोगे लगभग BTC $66,000 के आसपास चल रहा है, न्यूट्रल मार्केट चल रही है, अभी ऐसी कोई हाइप नहीं बनी हुई है मार्केट में, जो ग्रीड था वो ग्रीड हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो ऑल्ट कॉइन्स अपना अलग से परफॉर्म कर रहे हैं, अलग से अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आयो कॉइन में आपने देखा होगा कि एक बड़ा पंप आया था। अभी आयो कॉइन का जो डीपिन के नाम से जो कंपनी है, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई थी, क्योंकि उसके जो CEO थे उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे जो CEO थे उन्होंने CEO की पोजीशन ले ली थी। अभी भी ये जो डीपिन कंपनी है इसको पूरी हाइप दी जा रही है, यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बताया जा रहा है Web3 का। तो डीपिन को एज ए इंडस्ट्री बताया जा रहा है, जिसमें इन्होंने बोला कि मार्केट वैल्यू लगभग 300% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है पिछले एक साल के अंदर। तो यहाँ पे जो डीपी की इंडस्ट्री, इसमें AITHIR एथर है, वर्ल्ड मोबाइल है, IQ.net है और गेमिन है, तो ये सारे प्रोजेक्ट इसी में ही आते हैं। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा इकोसिस्टम है IO.net का। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक जो मैं सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा हूँ वो यही है कि आयो कॉइन फिर से अभी बड़ा एक पंप देने वाला है। जैसे ही BTC में थोड़ी रिकवरी आएगी, आपको यहाँ पे लगभग 20-30% का प्रॉफिट तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एंड ये जो प्राइस है वापस से $6.5 के जो ऑल टाइम हाई है उस प्राइस को क्रॉस करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो GPU प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को द इंटरनेट ऑफ GPUs बोला जाता है, तो इन्होंने इतना सिर्फ लिस्टिंग तक काम नहीं करना था, बल्कि इनका जो विज़न है वो यही है कि इसको और भी ज़्यादा बिल्ड करना, कम्पीट करना AWS और GCP से, यानी कि इनकी रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स आने वाली हैं, और अपडेट्स आएंगी तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट अलाइव भी रहेगा, अलाइव के साथ साथ हमें एक बड़ा पंप भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक पंप नहीं होगा बल्कि रेगुलर बेसिस पर पंप्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि बाइनेंस के ऊपर ये कॉइन लिस्ट हुआ था और इसकी वैल्यू कितनी ऊपर गई थी। अभी ऐसा ही एक दूसरा कॉइन जो लिस्ट होने वाला है, अगेन ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है, अभी इसका TVL $766 मिलियन के आसपास चल रहा है, यानी कि बहुत ही जल्द ये $1 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। एंड डेफिनेटली ये आज के दिन हो सकता है, क्योंकि जैसे लिस्टिंग होगी तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ZK क्या है, ZK सिंक के नाम से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो यहाँ पे एवर एक्सपेंडिंग वेरीफाइबल ब्लॉकचेन नेटवर्क इन्होंने बनाया है। तो इसकी सबसे खास बात क्या है कि ZK की जो चेन है इसको ऐड और एक्सपेंड किया जा सकता है, ताकि वो बड़ी ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम को हैंडल कर पाएँ। यही कारण है कि इसको एक्सपेंडेबल चेन बोला जाता है। अब इससे भी ऊपर जो बड़ी चीज़ है वो ये कि यहाँ पे कॉस्ट इफेक्ट नहीं होता, कॉस्ट वैसे का वैसा रहता है, और हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं बढ़ती। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इलास्टिसिटी को सच में ZK सिंक में डाला है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्रोजेक्ट है, जिसकी मैं सीरियसली बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। एंड इसकी लिस्टिंग अभी नहीं हुई है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप अगर आप जाते हो तो ZK के नाम से आपको कॉइन तो दिख जाएगा, लेकिन कोई भी डेटा नहीं दिखेगा, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, प्राइस कुछ भी आपको करंटली तो नहीं दिखने वाला। इसकी लिस्टिंग आपको बिट के ऊपर दिखेगी, और ऐसी बड़ी जितनी भी सारी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर आपको सडनली दिखने वाली है। एंड हाँ, बाइनेंस के ऊपर अगर कॉइन आता है सबसे पहले लिस्टिंग यहाँ आती है, यानी कि एक ही टाइम पर सडनली होने वाली लिस्टिंग सारी एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन बाइनेंस के ऊपर आने की वजह से क्या है कि हाइप और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लिस्टिंग होने वाली है 8 UTC के टाइम पर, जो कि आज के दिन यानी कि 17 जून पे ही होने वाली है। यहाँ पे पेयर समय देखने को मिलेंगे ZK BTC, ZK USDT, FDSD और TRAI, यानी कि तीन तो स्टेबल कॉइन्स हैं और एक BTC के साथ इसका पेयर हमें देखने को मिलेगा। तो लिस्टिंग फीस यहाँ पे इन्होंने बोली हुई है 0 BNB। तो ये थोड़ा अलग तरीके का होने वाला है। एक्चुअल में यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है जो कि पॉसिबली आसान नहीं है कि शायद आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे कुछ वाइट लिस्टेड एड्रेस भी होने वाले हैं जिनको ये कॉइन मिलने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे जो एक चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि जैसे ही सडनली लिस्ट होता है तो उसके बाद आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट सडनली अर्न कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के साथ साथ प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। एंड अभी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी
अभी दिन का समय है तो यहाँ पे सडनली बाइंग भी आने वाली, काफ़ी सारी बाइंग आएगी और प्राइस भी सडनली ऊपर जाएगा। तो इस कॉइन का फ़ायदा ज़रूर ज़रूर उठाना। अगर आप क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उससे प्रॉफिट भी अर्न करो, लिमिट लगा देना साथ के साथ, या फिर कुछ कॉइन्स को सेल करके प्रॉफिट बना लो और बाकी कुछ बाय करके रख भी सकते हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, पहले मैं लॉन्च पूल वाले प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट्स सारे लगभग सभी के सभी अच्छे रहे हैं। अगर कोई अच्छा नहीं था तो वो पहले दिख रहा था कि ये कॉइन्स ज़्यादा मिल रहे हैं लॉन्च पूल में, तो ये बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होने वाला, जैसे कि आयो से पहले वाला जो प्रोजेक्ट था जो कि नॉट कॉइन्स के नाम से था, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था। लेकिन ये जो कॉइन है ZK के नाम से, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एंड आयो के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करो। आयो अभी लगभग $6 को फिर से क्रॉस करेगा, तो आप अपना अगर कोई चाहते हैं एनालिसिस किसी भी कॉइन के बारे में नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, उस कॉइन को इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाली है, जैसे कि ZK सिंह की जो अपडेट है ऑलरेडी मैंने बता दी थी हमारे वॉल्टेड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी अगर आपका एक लाइक भी मिल जाता है। और इसी के साथ हमारा चैनल वॉल्टेड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।